करते हुए टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, क्या जवाब है? दोनों है भाई, गुंडा टैक्स ज्यादा है, टोल टैक्स कम है। हम गाड़ी खरीदने पहला गवर्नमेंट हमारा टोल टैक्स काट ले है, डबल चुक दिया। टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, क्या जवाब है? गुंडा टैक्स। टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए ये सवाल डाला गया है, क्या जवाब है? देखो भाई साहब, टोल टैक्स तो देना बना है, हमारी मजबूरी है। टोल तो हम देने के लिए तैयार है, टोल तो देते हैं, पर ये जो टोल लेने का तरीका ये गलत है। टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, ये सवाल है, क्या कहना चाहोगे इसका जवाब? ये बिल्कुल गुंडा टैक्स है, क्योंकि टोल टैक्स होता है वो फीस ली जाती है। बात करांगे कुछ व्यक्ति यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे? जो बात सामने आ रही है कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे भी टोल वसूला जा रहा है, क्या यह सच है? सच है भाई साहब, सच है। जरोठी गांव में टोल है यो। हाँ। तो जरोठी गांव के लोगों का टोल लिया जाता है? लिया जाता है। जरोठिया का भी लिया जाता है यहाँ से। हाँ, जबरदस्ती। नियम क्या कहता है? पहले हम जी एक बार खड़े हो जाओ एक बार। नियम क्या कहता है वैसे? नियम तो की दिखावा की दिखावा की थोड़ा इधर आ जाओ एक बार। जो नियम मतलब ये कहते हैं कि भाई गांव के जिस गांव में टोल बना है वहां के लोगों का टोल नहीं लगेगा, आसपास का नहीं लगेगा। हाँ, ये पास बना के दे रहे बरामी बनामते बार बार लपटने की कोशिश करे। एक आदमी आ रहा है उसका 10 लपट जाएगा, आई डी दिखा, फलाना कर, ये कर, वो कर, कुछ करने नहीं दे रहे। ये लाइव चल रहा है, थोड़ा मैं आपसे कहूंगा थोड़ा शब्दावली का थोड़ा ध्यान रखें, भाषा का ध्यान रखें जी। भाषा ध्यान रख रहा क्या? भाषा भी इतनी बदतमीजी करे, पूछो मत यहाँ। जिसने देखा वो, जैसे कोई भी आ रहा है, हम गाँव से है, जरोठ गाँव से है भाई महाराज जी, बोला नहीं नहीं जो तो तू और की क्या ले रहा, फोन में दिखा दे फोन में। आपका कौन सा गाँव है? जरोठ गाँव है। आपने दिया कभी टोल यहाँ पे? टोल तो क्यों दे, हम दे पर आई डी फोन में नहीं मानते, लोगों को ऐसे दिखाओ। अच्छा, फिर जब मतलब जबरदस्ती करनी पड़ती है दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ जबरदस्त झगड़ा हुआ, झगड़ा ही ऐसे होता है। तो इस तरह के झगड़े तो बार बार होते होंगे? बार बार होते हैं, जब भी तो ये काम करे आज इसलिए तो आगे बैठे गए हैं। ये अंकल भी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, गाड़ी आ गई, टोल कट गया तो कह रहे टोल न पाट के फेंक दो, ये कहते हैं टोल न पाट के फेंक दो। बताओ, कट गया ठीक है भाई, कट गया भाई, वो तो कट गया जो कटना था, उसमें उल्टा तो कोई देगा नहीं। बिल्कुल भाई, कुल मिलाकर जो है परेशानी हो, पहलवान देख लो भाई, लोट मारना जुड़े गाड़ी चाल उड़े पहलवान, लोट मारना रे, क्या कहना चाहोगा पहलवान भाई? लोट मार रहा है वह, लोट के परेशान कर दिए, जो गांव गुआंड है सारा परेशान कर रखा था इनने। हमने जो है टाइटल डाला है, आप लोगों की बात सुनकर सबसे हमने पहले बात करके टाइटल ऊपर जो डाला है, टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, ये सवाल है, क्या कहना चाहोगे इसका जवाब? ये बिल्कुल गुंडा टैक्स है, क्योंकि टोल टैक्स होता है ना वो फीस ली जाती है, यहाँ पे तो यहाँ के लोगों से तो गुंडा टैक्स ही लिया जा रहा है, हमारा तो बनता ही नहीं, हमने तो जमीन दे रखी है इसके लिए। गवर्नमेंट के ये 5 किलोमीटर का सर्कल है जो, उसके अंदर तो टोल टैक्स लागू भी नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए ना ये यहाँ पे तो गुंडा टैक्स ही ले रहे थे, और क्या करते थे यहाँ से यहाँ पे आई गाड़ी फास्ट टैग से पैसे नहीं कटे, दुगना टोल चार्ज कर लिया, उसके बाद वो गाड़ी वहां तक पहुंची, फास्ट टैग से भी कट गए। तो ये श्रेयाम और पुलिस का जो SHO है सुनील, उसकी मिली भगत से हो रहा है ये सारा काम, नहीं तो वो जरोठी का लड़का है, उसका 1 महीना होने वाला है, आज तक FIR नहीं की, आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसलिए यहाँ के आसपास के गांव के लोगों ने ठाना कि भाई क्यों ना हम टोल को ही फ्री कर दें, इसलिए ये समस्या आई, इसलिए यहाँ पे लोग इतने इकट्ठे हुए। बिल्कुल, देखो जो क्वेश्चन जो डाला गया है टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, आप जो साथी वीडियो देख लग रहे हो आप भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, बाकी और लोगों का क्या कहना है जी? प्रधान जी, सबसे बड़ा सवाल है टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए ये सवाल डाला गया है, क्या जवाब इसका? देखो भाई साहब, टोल टैक्स तो देना बना है, हमारी मजबूरी है, टोल तो हम देने के लिए तैयार हैं, टोल तो देते हैं, पर ये जो टोल लेने का तरीका ये गलत है। टोल ऐसे थोड़ा लिया जाता है, टोल तो आप अपना फास्टैग होगा तो कट जाएगा, नहीं तो अपने नहीं है तो भाई अपने कार। जवाब क्या है जो सवाल जो डाला गया इसका? इसका जवाब ये है कि भाई देखो ये टैक्स नहीं है, गुंडागर्दी है। हाँ बिल्कुल। नाम क्या आपका? सुनील चेयरमैन जी। सुनील चेयरमैन जी ने भी इसका जवाब यही दिया है, जो ठीक गाँव के सरपंच साहब है। प्रधान जी, राम राम। राम जी, राम राम। टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, क्या जवाब है इसका? गुंडा टैक्स। गुंडा टैक्स थोड़ा बताओ एक बार, आप सरपंच होगा। हाँ, गुंडा टैक्स है ये, क्योंकि गडकरी साहब भी जब यहाँ आए थे जब ये कहे थे 60 किलोमीटर के अंदर नहीं रहना चाहिए, सारा घर यहाँ का सारा 28 किलोमीटर का फर्क है, ये तो गुंडा टैक्स है, लोग तो उठवाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती चल रहा है, बिल्कुल कोई वो नहीं है। क्या कहना चाहोगे भाई?
भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो गडकरी जी है माननीय मोदी साहब भी कहते हैं 60 किलोमीटर के अंदर एक टोल होना चाहिए। यहाँ से आप मुरथल टोल का देख लो या छारा टोल का देख लो, ये 60 किलोमीटर के अंदर ही है टोल, तो ये टोल हटाने चाहिए। गुंडा टैक्स, जब हम गाड़ी लेते हैं तो हम कार टैक्स पहले ही दे देते हैं, तो ये अब टैक्स किसका मतलब? ये सिर्फ सारा सरकार की गलती है, ये गुंडा टैक्स है, टोल हटना चाहिए। बिल्कुल भाई, और भी लोगों से हम इस जो है सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। काफी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी जो है ये देखो पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, ये पूरी टीम यहाँ पे बैठी है। यो ताऊ है देखो, कई घुट मारन लाग रहा है ताऊ। राम राम। राम राम भाई। लाइव आपने देखने लाग रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं लाइव आपको देख रहे हैं, हरियाणा एक जराट पर है। सवाल डाला गया है आप लोगों की समस्या को देखते हुए, टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, क्या जवाब है? दोनों है भाई, गुंडा टैक्स ज्यादा है, टोल टैक्स कम है। हम गाड़ी खरीदते तो पहला गवर्नमेंट हमारा टोल टैक्स काट ले है, तो डबल क्यों कर लिया गया है? और फिर न्यू ला ले आड़ गुंडे छोड़ रखे, बहू बेटी आपकी गेले भी आओ, हमारी गेले भी आओ, उनकी बेइज्जती सहन कर लेगा तू? गवर्नमेंट कर लेगी, फिर ये हमारी गेले क्यों हो रहा है? इतना अत्याचार है भाई, अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम तो नहीं, अगर इन्हें टोल टैक्स रखना है तो प्यार से रहो, और ना इन्हें जड़ से उखाड़ कर हम भगाओगे। कहते गवर्नमेंट का न फेनू का काम फन्ने का बन रहे हैं, तो ये पब्लिक का तो ये गवर्नमेंट बना है, नोट भरी वोटा से वोटा से बना ना, तो ये कुर्सी पर बैठ कर को मजे वो नहीं बन गए मोदी, और फिर मोदी की सरकार का चेयरमैन था उसकी के लाइन ने रोड़ा कर रखा है। बीजेपी के बड़े नेता हैं जिला अध्यक्ष हैं तीरथ राणा, जिनके साथ है दुर्व्यवहार किया गया। जी हाँ, उन्हें के साथ करा गया, फिर हमारा चेयरमैन है उसकी गिना करा, जो जिले का अध्यक्ष है वो भी बीजेपी का, उसके साथ होया। ये बात है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो फिर आम जनता का क्या हाल है? फिर आम जनता ने गुंडेगर्दी इकट्ठी कर रखे ना, आड़े गई आपने खरीद लिए दो चार गुंडे, आप भाई ने खरीद लिए, मन खरीद लिए, उन्हें लाड़ बैठाओ है, वो एक कर रहे हैं और वो तो आगे देखते नहीं। नेता जो बैठे वो तो कुर्सिया बैठे इसी में सो है, वो तो आगे देखते नहीं, तब ये कर बात रहे ना, ये तड़ाड़ जो अंडे नो कहते मैं ले सुर में फलाना सुर में धकड़ा हूँ, उनकी ही चीज हो रही है या? बिल्कुल भाई, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं हरियाणा एक जराट पर जो लाइव आप देखने लग रहे हैं, जो सवाल डाला गया है टोल टैक्स या गुंडा टैक्स है, इसका जवाब हम जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई सवाल डाला गया है आप लोगों की समस्या को देखते हुए, कौन सा काम अपना? जरूर से जी, जरूर से हो। सवाल डाला है टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, क्या जवाब है इसका? गुंडा टैक्स है जी। अब एक बार बताइए, जरोट गाँव है, जरोठी गाँव कवाली गाँव है, कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया तो फ्री होता है, यहाँ पे तो कुछ भी फ्री नहीं है। पहले आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड के बाद आरसी की डिमांड करते हैं, वारसी दिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये नहर वाला नस्ता है जो टूटा हुआ है, वहाँ से जाइए, जिसको टोल देना वो यहाँ से जाएगा। हथियार दिखा के बात करते हैं, गुंडागर्दी के नाम पे कभी कड़ा जठेड़ी, कभी उदा जी के जानकार अप्रोच रोड का भी रास्ता खुद ही बता देते हैं। हाँ खुद बताते हैं, क्योंकि टूटा हुआ है वहाँ, अगर जो स्किट होगी गाड़ी तो नहर में गिरेगी सीधी, उसका क्या सोल्यूशन है? और रही बात सेकंड इमरजेंसी लाइन कहाँ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर चल रही है, बाकी लाइन क्यों बंद है? बताइए, मुझे बताइए आप यहाँ के स्थायी निवासी। हम थोड़ा बताएंगे, टोल के कर्मचारी बताएंगे। आपको क्या लग रहा है? गुंडागर्दी टैक्स है, जितना चल रहा है ठीक है, अदरवाइज इनका फ्री होना चाहिए। अब इनकी सोल्यूशन के लिए है, थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पे अब गाड़ी में जा रहे थे, उनकी मिसिस थी और बेटी थी, तो उसको गला पकड़ के यहाँ पे बोलते हैं तेरे को मार देंगे। अब कंप्लेंट करने जाते हैं, कंप्लेंट नहीं उनकी दर्ज होती, इस चीज को क्या समझे? उस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल भाई, जो जवाब है वो जिस तरह की जो समस्या है उसी तरह का जवाब सामने आ रहा है, और ये सवाल इसीलिए डाला गया था जब काफी देर हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की तो सबकी ये समस्या थी, और समस्या को देखते हुए ये सवाल जो हमने डाला है। ताशा खेलन लाग रहे हैं, खुले में मौज हो रही है जी, हस्ते हो रही है, दुखी हो रही है, मौज की तो रही। एक सवाल डाला है हमने लाइव, तो देखने लग रहे हैं। बोल बोलो। टोल टैक्स या गुंडा टैक्स? गुंडा टैक्स। जैसे कि पीछे भी लेने और गाल भी बकनी, गलत व्यवहार करना, किसी की शर्म निकलनी, को चेयरमैन है, प्रधान है, को गांव का है, नजदीक का है, कोई शर्म नहीं। कौन सा काम? मेरा काम जरूर है।
रोड। सभी आसपास के गांव से लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। राम राम जी। हाँ जी बोलो जी, क्या है? जो समस्या को देखते हुए लाइव पे हमने सवाल डाल रखा है, टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, लाइव आपको लोग देखने लग रहे हैं, शायद राजनीतिक लोग भी जो है जुड़े हुए हों, क्या जवाब है इसका? लाइव है, टोल टैक्स या गुंडा टैक्स? ये गुंडा टैक्स है। जैसे कि मार पिटाई करे, एक तो कहे छोरिया ने बचाओ, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट तो नहीं कहे लड़की पढ़ाओ और बचाओ, और ये पिटाई करे, करे कि नहीं करे हैं? एक इनका ये नहीं पता कौन यहाँ टूल टैक्स पे ड्यूटी है, कौन अफसर है या क्या है का पता नहीं। गांव कौन सा आपका? अपना गांव जरोंट है। जरोंट है, क्या कभी जो टोल कर्मी है वो ड्रेस में रहते हैं? नहीं, कौन रहते ड्रेस में, यहाँ के पता ही नहीं कौन क्या है, इस चीज का पता ही नहीं है। जी क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी 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 भाई, ये साथी हैं, बिजी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम में लूंगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कौन सा गांव भाई साहब? दुबेट्टा गांव भाई। दुबेट्टा, आपका भी समय लग गया है इसके टोल के? ना भाई, समय नहीं लगता। वैसे मदद मारे हो? मदद मारे, गलत काम करे इस कर गलत काम के खिलाफ आ रहे हो आप? बस, बस बस। क्या नाम आपका? विजेंद्र नाम भाई। यहाँ के लोगों की समस्या है, उस समस्या को देखते हुए लाइव जो है हरियाणा के जराट पर लोग आपको देखने लग रहे हैं, सवाल डाला गया है टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, क्या जवाब भाई? गुंडा टैक्स जो है, जो गुंडागर्दी दिखाओ कर रहे हैं सारे, जो कहेगा मतलब गुंडागर्दी दिखाओ है, गुंडागर्दी के खिलाफ हम यहाँ बैठे, सब भाई अपने हुए, किसी की भी जित बरान होती है उसका साथ देना चाहिए, हर एक भाई को साथ देना चाहिए, है ठीक है? बदतमीजी करते हैं सबके साथ, ठीक हो? तो हम तो भाईचारे के साथ, किसी के भी साथ गलत होता है उसका सहयोग देने में कहीं भी बैठना पड़ जाए बैठने के लिए तैयार है, भाईचारे की मदद मारो। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? वह बात है, अगर जन रहा तो वो जन भी दूर नहीं है, जब तुला पैसे देख लो यार, गुंडे ले जाया करें, कभी गुंडिया घर जो बोल रहे हैं वो रहा है, इसमें कोई भी वो नहीं है। लेडीज के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, एक 24 तारीख ने एक भाई था, उसकी मिसिज थी, दोनों भाई के साथ गाड़ी गलोच कर उन पर हवाओं फायरिंग भी करी है, तो बहुत गलत चल रहा है यो, और आज उससे न ले गए सारे भाई हैं जो यार आस पास के गाँव के सारे बैठे हैं। बता रहे कि मैं तुम भी बता दो, ये दिक्कत है बताने में, बताने में क्या दिक्कत है भाई? थारे से हम ये समस्या वो भी बता दो अग्नि, ये भाई है भाई राम राम, क्या करना रहा भाई फिर? बताओगे कोई सा कुछ भाई? पूरी तो भाई बताओगे जब पता होगी ना, ये तो लाइव देखने लग रहे हैं लोग आपको। चलो भाई, एक आधा भाई शर्मा आ गया, कोई बात नहीं, बाकी भाई प्रशासन के अधिकारी हैं तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं भाई, इनसे तो भाई अपनी ड्यूटी जो है करने लग रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी और जो बुजुर्ग हैं, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे इस पूरी समस्या को लेकर? ये यार हमारे का मगर टूलना कटना सी और के इसके उसमें जो मतलब टोल नहीं कटना चाहिए? छह सात आते होंगे। हाँ जी, नंबरदार साहब। अरे मैं सारे आऊँ जी। 5 किलोमीटर के कितने गांव हो जाए? गांव हो जाए 8-10 गांव हो जाए कम से। चारों तरफ? हाँ चारों तरफ। तो आप कौन से गांव से? रोड से। आपका लग गया टोल? हाँ, हमारा आईडी ना चलाते कई बार, ये जो जब तक टोल चेंज होया है, अगर हमारी गाड़ी है और को प्यारा भाई ले आया मांग ले आया और उसमें अगर हमारी आईडी धरी है तो आईडी ने मानते नहीं, नुगा आईडी वाला आदमी यहाँ मौजूद चाहिए। जिसकी जिसकी आईडी तुम दिखाओ हो वो आदमी मौजूद होना? हाँ, वो आदमी बोला मौजूद होना चाहिए, गाड़ी हमारी है, आईडी हमारी धरी है उसमें, और तो उसका भी टोल ले है, और जब तक ये चेंज होया जब तक गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई, उससे पहले ठीक था, शुरू से ऐसा है या पहले पहले भी? मेन बात तो भाई मेरा की है, जो आईडी दिखा दे हैं उसके बाद भी फास्ट टैग में तरफ ये काट ले हैं। अच्छा, मेन की है नंबर तो नंबर भर का नंबर प्लेट तो फास्ट टैग तरफ ये काट ले। मैसेज तो आता होगा उसका? मैसेज आ घर आ जाए पाछा आवा है फिर उल्टे का बोला फास्ट टैग में अपने आप काट लिया मशीन ने। भैया भी जो समस्या बता रहे हैं, भाई आईडी अगर दिखाते हैं तो उसको उस टाइम पे तो निकाल दिया जाता है, लेकिन फास्टैग से उसके पैसे कट जाते हैं, मैसेज लगभग कितनी देर बाद आता हुआ मैसेज?
15 मिनट बाद इतना आदमी दूर चले आता, 15 किलोमीटर चले आता, फिर बाद में ऐसा हुआ कि पैसे कटे उसके बाद आप लोगों ने शिकायत की है? हमने शिकायत करी, बोले अपने आप कट गए पैसे, हम क्या कर सकते हैं इसमें, नंबर तक काटते हैं, कई बार तो ऐसा भी होया है। सुनता ही नहीं, हाँ जी शिकायत करनी है, कोई नहीं सुनता, यहाँ जो आवे है तो उसने भड़का दिया। गाड़ी का घर पर रखा है, फिर भी पैसे काट दिए, नंबर थे, आईडी भी दिखा दी, आईडी मान भी ली, उसके बाद भी पैसे काट, फास्टैग अगर घर पे रखा तो फिर पैसे कैसे कटते? उसमें गाड़ी नंबर भरा है, हर काट दें। तो भाई फिलहाल ये पहलवान जी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी पहलवान जी, भाई साहब नजीक खेत है यहाँ पे, और मून भी खेत है परली साइड में भी, और कई बनी 10 बजाना पड़ा कम से कम, आई डी के ऊपर रखा है, नहर का पानी भी तोड़ना पड़ा है, उसे ट्यूबवेल ये भी चलाने पड़ा है, तो परेशानी तो है ये, और ये फिर एक दिन दो दिन देखकर धमकाओ है और पिटने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थायी निवासी हैं, कई लोगों ने ये कहा है कि इस बात का जवाब ये दिया जाता है कि आप जो खेतों वाले हैं इधर से उधर जाते हैं, तो इस रोड से ना जाएं, जो गांव से जो रास्ता जाता है वहां से जाएं। 5 किलोमीटर घूम कर कैसे जाओ, 5 किलोमीटर इधर घूम कर कैसे जाओ है, ये एक बात बताओ, ये टोल पूरा करना पड़ा हमने, फिर 5 किलोमीटर जाना पड़े, तो दिक्कत तो है, बारिश में कच्चा रास्ता, कच्चा रास्ता, बारिश में क्या करेंगे, दोनों ओर में परली साइड का नहर पर जाना पड़े। अच्छा, जो आईडी वाली जो समस्या जो सामने आ रही है, या जिसकी जो आईडी है, अगर वो आदमी खुद मौजूद है तो उससे भी टोल लिया जाता है, उसको निकल भाई साहब, उससे भी टोल ले हैं, ले है टोल अपने आप, फास्टैग का काट ले, नंबर से काट लेते हो ऑटोमेटिक, तो यह समस्या तो बहुत कौन सी कंपनी बताओ है, उसके बाद तक कटन लगे, पहले कौन सी कंपनी थी जब नहीं कटा करते, पहले नहीं कटा थे तो नहीं है मेरे ख्याल में भाई साहब, कौन सी कंपनी का टोल, वो तो इसमें पता लग जाएगा उसे, तो पहले वाली क्या, पहले नहीं कटता था, नहीं कटता था जी, पहले पास बनाते थे वे, अच्छा महीने का पास बनाते थे 300 कुछ रुपए का, तो वे अपनी जेब से करते थे, और ये मना कर रहे हैं हम पास नहीं बनाएंगे, पैसे लगेंगे, मैं 3-4 बार लिया पर मना कर दे, पास नहीं बनाएंगे, और हमें यहाँ से घर पौधा 6 किलोमीटर है, सिर्फ रोड यूज करते हैं 1 किलोमीटर का, घर पौधा से सर्विस रोड है जरोट तक है, हम तेल गला के जरोट तक आ गए, जरोट से ये टोल 1 किलोमीटर है, सर 1 किलोमीटर पर हम 150 रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, जितने साथी देखने लाग रहे हैं, हरियाणा 1008 पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल जरोठी टोल से जो है मैं लाइव हूँ, और समस्या लोगों के सामने जो है आने लग रही है, और ये अकेली मतलब जरोठी गांव की नहीं, लगातार कई दिन से कई वीडियो वायरल हुई हैं, जो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि एक महिला के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया है, वो भी सोनीपत का ही जो टोल बताया गया है, शायद मुरथल का वो टोल है, और डॉक्टर देवेंद्र बलारा हैं जो बड़ा ही चर्चित चेहरा है, डॉक्टर देवेंद्र बलारा, उनके साथ भी कल रात को एक टोल के ऊपर अभद्र व्यवहार किया गया, गाड़ी में जो है तोड़फोड़ की गई है, और इसी तरह का व्यवहार यहाँ पे एक बीजेपी के बड़े नेता जो जिला अध्यक्ष हैं तीरथ राणा जी, उनके साथ है, और उनके साथ कोई चेयरमैन थे, उनके साथ यहाँ पे अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद जो है ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं, जो गाँव के और आसपास के गाँव से जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं, प्रशासन भी मौजूद है, एक बार कहूँगा फिर दिखा दे तस्वीरें, ताकि किसी तरह की कोई घटना जो है यहाँ पे ना घटे, तो प्रशासन भी अपनी ड्यूटी जो है वो लगातार यहाँ पे देने लग रहा है। बाकी जो सवाल जो डाला गया है इन लोगों की समस्या को देखते हुए, बार बार लोग कह रहे थे कि ये गुंडा टैक्स है, तो आप लोगों से पूछने के लिए हमने सवाल डाला, टोल टैक्स या गुंडा टैक्स, आपका क्या जवाब है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। और अभी जो है कुछ लोग जो यहाँ पे एक टीम बन के वो SDM साहब के पास वो गए हुए हैं, क्या कुछ वहाँ से फैसला जो आता है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर करो, मैं लेता हूं इजाजत, हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।